देशरे कमुछि संक्रमण लगातार द्वितीय दिन पई 3 लाख तले पॉजिटिव संख्या हेले मृत्युरे होईछि सर्वकालीन रेकर्ड गत 24 घंटे 4329 जनक जीवन नेछि किलर भाइरस दिल्ली रे गत 48 घंटे पॉजिटिव हार 10.40% रु खसी 8.42% होईछि। देशरे किछि दिन धरी कोरोना कमुथिबा बेले लगातार द्वितीय दिन पई 3 लाख तले रहिछि संक्रमितक संख्या। गत 24 घंटे 2,63,000 आक्रांत चिन्हट होइथिबा बेले किलर भाइरस नेइछि 4,329 जीवन। एहाकु मिसेइ मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2,78,719 कु वृद्धि पाइछि। एथिसह मोट आक्रांत संख्या 2,52,28,996 होइछि। वर्तमान सुधा सुस्थ होती 2,15,96,512 आक्रांत 33,53,765 कोरोना रोगी एवं भी चिकित्साधीन रही। सोमवार सुधा 18,44,53,149 जन टीका नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय पक्ष सूचना दी जा। मार्च 30 पर प्रथम थर पर 30,000 तलक खसी महाराष्ट्र में संक्रमण। राज्य में गत 24 घंटे 26,616 जनों ठारे पॉजिटिव बाहरी बेले प्राण हर 516 जन। से ही कर्णाटक में गत 24 घंटे 34,635 जन पॉजिटिव बाहरी बेले 476 जन प्राण हर। केरल में 21,402 पॉजिटिव 87 मृत। दिल्ली में गत 24 घंटे 4,524 पॉजिटिव बाहरी बेले 340 जन प्राण हर। गत 48 घंटा मध्य दिल्ली में पॉजिटिव हार 10.40% - 8.42% को खसी। आम राज्य ओडिशारे मध्य संक्रमण धीरे धीरे कमिबारे लगी। गत 24 घंटे राज्य में 10,321 जन पॉजिटिव बाहरी सेमानक मध्यरु 5,779 जन संगरोध केन्द्ररु एवं 4,542 जन स्थानीय अंचलरु। एहाकु मिसाई मोट संक्रमितक संख्या 6,33,302 कु वृद्धि पाइछि। वर्तमान सुधा राज्यरे कोरोनारु सुस्थ होइछन्ति 5,26,353 जन रोगी। 1,04,539 जन रोगी एवं भी चिकित्साधीन अच्छा। तेरे गत 24 घंटे किलर भाइरस नहीं 22 जनों जीवन। गत 24 घंटे खोर्धारु सर्वाधिक 1,566 आक्रांत बाहरी। सुंदरगड़ 819, कटकु 731, कलाहांडी 599, पुरी 472 पॉजिटिव बाहरी। से हीपरि अनुगुल 471, मयूरभंज 458, संबलपुर 405, भद्रक 350, कोरापुट 338, नवरंगपुर 334, जाजपुर 330, बरगढ़ 320, झारसुगुड़ 312, बलांगीर 291, बालेश्वर 269, नयागढ़ 273, बौद्ध 250, केन्दुझर 204, गंजाम 203, रायगड़ 163, केन्द्रापड़ 162, जगतसिंहपुर 169 आक्रांत चिन्हट होती। नुआपड़ 145, देवगड़ 114, ढेंकानाल 77, मलकानगिरी 77, सुवर्णपुर 73, गजपति 56, कंधमाल 54 जनों ठारे पॉजिटिव बाहरी। राज्य में प्राण हर 22 जनों मध्य 5 जिलूर 3 जन लेखाएं अच्छा। से सबु जिलागुड़िका खोर्धा बौद्ध कलाहांडी नुआपड़ा और सुंदरगढ़। गजपति कोरापुट और रायगड़ 2 जन लेखाएं एवं बलांगीर जड़े कोविड रोगी मृत्यु होई। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
ग्रामांचलकु कोविड पंछारु बंचाइबाकु पडिबो। आवश्यक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषणा सांगकु टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को प्राथमिकता देबा जरूरी। एहा सहित टीकाकरण पय आवश्यक वैक्सीन जोगाई दियाचिबो। कोविड मुकाबला क्षेत्र में राज्य और जिला स्तरीय अफिसर माने हेउचंती फील्ड कमांडर। 9टी राज्यर 46टी जिलार जिलापालंक सह वर्चुअल रे आलोचना बेले सम्मुख योद्धामानंकु ए मंत्र देइचंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। देशरे कोविड मामला खसुथिले मध्य समस्तंकु अलर्ट रहिबाकु पडिबो, कारण प्रतिटी जीवन बंचाइबा हेउछि एही युद्धर मुख्य लक्ष्य बोली दोहराइछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। महामारी कोविड विरोध में लड़े क्षेत्र में राज्य तथा जिला अधिकारी माने हेउचंती फील्ड कमांडर। 9टी राज्यर 46टी जिलार जिलापाल मानंक सह वर्चुअल बैठक में उद्बोधन दे एहा कहिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री कहिछंती जे कोरोनार द्वितीय लहर वर्तमान सहरांचलरु ग्रामांचलकु व्यापीबारे लागिछि, तेणु गांगुडीकु कोविड मुक्त करिबा सबुठु बड कार्य। जे अंचलरे नुआ केस चिन्हट हेउछि सेही स्थानीय अंचलकु कंटेनमेंट जोन घोषणा सहित संक्रमण रोकिबा पई परीक्षा और सठिक और संपूर्ण सूचना दिया जाय परिले ही महामारी को परास्त करिहेबो। से कहिछंती जे एथिपई जिला अधिकारी को समेत स्थानीय प्रशासन आवश्यकता अनुसार तुरंत निष्पत्ति नै परिबे। बिना प्रतिबंधक रे सेमाने जे कोनोसी परिवर्तन विषय रे पदक्षेप नबा को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं, और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग, और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड उपलब्ध हैं, कहाँ उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। कोरोना आक्रांतों सठिक चिकित्सा सहित टीकाकरण को गुरुत्व देइछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। से कहिछंती जे आवश्यकता अनुसार अधिक परिमाण रे कोविड टीका जोगाण वृद्धि पई निरंतर प्रयास करा जाउछि। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय टीकाकरण प्रणाली उ प्रक्रिया को तदारख और अनुध्यान करुछंती। कोविड परिचालना पई राज्य गुडी को 15 दिन रो प्राक कार्यसूची प्रदान करबाकु केंद्र सरकार उद्यम करुछंती बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। वैक्सीनेशन के लेकर व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार स्ट्रीमलाइन कर रही है। कोशिश ये है कि अगले 15 दिन का शेड्यूल राज्यों को एडवांस में मिल जाए। इससे आपको भी पता रहेगा कि जिले में कितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने जा रही है और आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। अम्लजान अभाव जो हजार हजार लोकों जीवन जाइछि। कोविड हॉस्पिटल गुड़ी को आवश्यक ऑक्सीजन जोगाण पई केंद्र सरकार समस्त व्यवस्था करथुबा कहिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। से आउरी मध्य कहिछंती जे पीएम केयर्स पांठि माध्यम रे देशर प्रत्येक जिल्लार डाक्तरखाना रे अम्लजान कारखाना स्थापन पई द्रुत गति रे काम आरंभ होई जाइछि। अनेक डाक्तरखाना रे ऑक्सीजन प्लांट कार्यक्षम मध्य हेलाणी। पीएम केयर्स के माध्यम से देश के हर जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर तेजी से काम किया जा रहा है। कई अस्पतालों में ये प्लांट काम करना शुरू भी कर, जैसे अभी चंडीगढ़ का हमने सुना कितना बेनिफिट हुआ उनको। और इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि जिस भी जिलों को ये प्लांट अलॉट होने वाले हैं वहां हर जरूरी तैयारी पहले से पूरी होने पर ऑक्सीजन प्लांट और तेजी से सेटअप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री देशर ग्रामांचल रे कोविड मामला को रोकिबा पई रणनीति को दोहराइछंती। से कहिछंती गतथर कृषि क्षेत्र बंद करा जाय नथिला, तथापि ग्रामवासी माने जेपरि भाबे फसल बेउषण और अमल बेले सामाजिक दूरता बजाय रखिथिले ता देखि मु आश्चर्य होइछि। गां लोके कोविड नियमावली और सरकारी सूचना को आधार करि सेमानंकर आवश्यकता अनुजाई कार्यशैली को परिवर्तन करिथांती। एहा ही हेउछि गांर प्रकृत शक्ति बोली कहिछंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। गांव के लोग संकल्प लें और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था। पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा, मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं
और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। गांव की ये ताकत है। प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे देशर केतेक राज्य रे कोविड मामला खसुथुबा बळे केतेक राज्य रे पॉजिटिव मामला पडुछि तेनु पूर्व भळि समस्तंकु सतर्क सुरक्षित रहिबा सहित समस्त कोविड नियम माने चालिबाकु पडिबो आवश्यक नथिले घर भितरे रहिबा ओ केवल जरूरी परिस्थिति रे बाहरकु बाहरिबा बळे मास्क पिंधिबा सहित सामाजिक दूरता पालन करिबा निहाति जरूरी बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। पॉजिटिव केस रास सत्वे अधिक अलर्ट रहिबाकु प्रधानमंत्री सतर्क कराइ देइछन्ति। हमारी जिम्मेदारी संक्रमण को फैलने से रोकने की भी है और ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। प्रतिटि जीवन गुरुत्वपूर्ण ओ समस्तंकु बंचाइबा ही हेउछि युद्धर मुख्य लक्ष्य बोली पुणि थरे दोहराइछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। बर्षर प्रथम बात्या ताउतेरे छारखार हो जाइछि 6टी राज्यर उपकूलवर्ती अंचल। रास्ताघाट, घरद्वार, गछलता ओ बिजुली खुंट सबु भांगिरुछि, ध्वस्त विध्वस्त करि देइछि सामुद्रिक झड़ बात्या ताउते। केमिति कराल रूप छाड़ी जाइछि बात्या, देखन्तु ए रिपोर्ट। ताउतेर दाउरे चारिआड़े ध्वस्त विध्वस्त। गुजरात रो 17 जिले रे व्यापक क्षयक्षति घटाई सामुद्रिक झड़। देखु कौन अवस्था कर सामुद्रिक झड़ बात्या ताउते। केउठी बड़ा बड़ गछ भांगी जाइछि तो आउ केउठी उपुड़ी पड़िछि। अनेक घर द्वार भी भांगी देइछि, बिजुली खुंटी भी उपुड़ी जाइछि। एहि होउछि गुजरात रो गिर सोमनाथ अंचल रे बात्या क्षयक्षतिर दृश्य। झड़े उड़ी जाइछि मार्केट कॉम्प्लेक्स रो छत। रास्ता पर विक्षिप्त हो पड़िछि लुहा छतर भग्नावशेष। बात्यार प्रकोप केते भयंकर थिला ए विजुअल देखिले ताहा जाना पड़ुछि। कृषकमाने बेसी प्रभावित होइछन्ति। जमी और गोदाम रे कृषकमाने रखिथिबा फसल नष्ट हो जाइछि। पियाज गोदाम भांगी जाई पानी पसिजिबारु नष्ट हो जाइछि पियाज। सेइभली आंब बगीचा मध्य नष्ट करि देइछि ताउते। सोमवार राति प्राय 8:30 बेलु गुजरात रो पोरबंदर और महोबा उपकूल रे ताउतेर आरंभ हला लैंडफॉल प्रक्रिया। आरंभ होगला प्रबल वर्षा संगक पवन। समुद्र रे उठिला उच्च ज्वार। घंटा प्रति 155-165 किलोमीटर बेगरे पवन बहिला। पुणी पवन बेग घंटा प्रति 190 किलोमीटर जाए गला। पवन और वर्षा गुजरात रो 7 जनक मृत्यु होइछि। अनेक गृहपालित पशु भी प्राण हरायछन्ति। सेपरि कर्णाटक रे 8, महाराष्ट्र रे 6 जन ताउते प्रभाव रे प्राण हरायछन्ति। समुद्र कुड़िया अंचल रे छोट छोट डंगा बुड़ी जाइछि। क्षयक्षतिर आकलन पई हेलिकॉप्टर पैंतरा मारिछि। रेस्क्यू ऑपरेशन रे एनडीआरएफ ओ एसडीआरएफ लागिछन्ति। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बात्या प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक, केरल दा मुख्यमंत्री सह समीक्षा करिछन्ति। केन्द्र पक्षरु समस्त प्रकार सहयोग जोगाई दियाजिबो बोली अमित शाह कहिछन्ति। प्रबल पवन एवं जुआर मड़े मुंबई समुद्र में बुड़ा बड़ डंगा। 273 यात्री थिबा ओएनजीसी एक बड़ बोट बुड़ी जाइछि। सेमानक मध्यरु 146 जन को उद्धार करा जाइछि। आहुरी 127 जन निखोज अछन्ति। निखोज को उद्धार करिबा लागि समुद्र गर्भरे जारी रहिछि सर्च ऑपरेशन। नौसेनार जहाज एवं हेलिकॉप्टर उद्धार कार्य लागिछन्ति। एथिसह बड़ जहाज अहल्या को रेस्क्यू ऑपरेशन ने लगा जाइछि। खराब पानीपाग जकु रेस्क्यू ऑपरेशन ने बाधा उपजिछि, तथापि सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जाइछि। This is something that we have tried to monitor from our control rooms. It is a ONGC barges that were in the Bombay High
which there has been some damage to one of the barges, which is 305. I'm given to understand that out of 260 odd people, 143 have been rescued, but that still leaves about 120 odd people who probably are at sea. So there are rescue operations being mounted by Coast Guard and Navy, and that is going on. That is the input that we have as of now, and we are also closely watching. बात्याकु दृष्टि रखी गुजरात सरकार उपकूलवर्ती अंचलरु प्राय 2 लाख लोकंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतरित करिथिले। मंगलवार सकाळे दुर्बल होइछि सामुद्रिक झड़बात्या ताउते, किंतु जहाँ उजाड़ी देइछि से सबकु सजाड़िबाकु बेस किछि दिन लागिबो। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सेपटे बंगोपसगर दाना बांधुची लघुचाप आसंता 23 तारीख में एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अच्छी। या प्रभाव में राज्य में वर्षा बढ़ विशेषकर उपकूल उत्तर ओडिशा रे अधिक वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग केन्द्र। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु प्रवेश समय लघुचाप सृष्टि होइतिबारु अनुकूल वातावरण हेले लघुचाप अधिक घनीभूत हो पारे, तेबे एहा उपरे नजर रहिछि बोली कहिछन्ति आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र। सेपटे राज्य में पुणि बढ़िबारे लगी तापमात्रा, 7टी शहर तापमात्रा 40 डिग्री और ताठारु उपरे रहिछि। यहस आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी कौन संभावना ना, 21-22 दुई दिन धरी कालबैशाखी प्रभाव में अधिकांश स्थान में वर्षा होवानी आकलन रही। तेईस तारीख में पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में गोटे लघुचाप क्षेत्र अर्थात लो प्रेसर एरिया फॉर्मेशन हो बोली आम आज पूर्वानुमान कर। पूर्व 21 तारीख में आंदामान सगर एवं यार निकटस्थ बंगोपसगर में मौसुमी वायु प्रवेश कर, मौसुमी वायु प्रवेश सहित 23 तारीख में लो प्रेसर एरिया सृष्टि होवार संभावना रही। समय जो मनसून एडभांस कर लो प्रेसर एरिया केमिशन होता है इंटेनसीफिकेसन हो पाए यदि फेवरेबल कंडीशन रहे। मे मस जानते साइक्लोन फॉर्मेशन होता है मे मस एप्रिल मे आज कंपेयर करें मे मस साइक्लोन बंगोपसगर में आम यह नजर रखीचु जो इनफर्मेसन सूचना आज प्रदान कर लो प्रेसर एरिया फॉर्मेशन हो तार अपडेट प्रतिदिन जारी करू एवं उचित समय सूचित करू जो यह इंटेनसीफिकेसन होवस्था पहुँच पाथ अनुसरण कर अगला 2 दिन में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकता है और फिर 18-19 ये 2 दिन का है। 20 तारीख को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा सा इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज होने का चांसेस है, उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गैस की सर्विस वार्निंग भी है मुंबई इंटरव्यू छोटा डिस्ट्रिक्ट में है। डेट और 21 तारीख में हमारा कोस्टल उड़ीसा अर्जनिंग इंटरव्यू छोटा डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ बारिश गैस की सर्विस 30-40 हो सकता है, इसमें भी इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा रहने का चांसेस है। गोवार सर्वपुरातन हिंदू शवदाह गृह हिंदू सभा वर्तमान कोरोना समय शवदाह गृह द्वार सबु धर्मपाई खोली दि जाए। कोरोनार जीवन हर लोकों अंतिम संस्कार गृह तार द्वार खोली हिंदू व्यतीत मुस्लिम और ख्रीस्टियान धर्मर लोकों शव को भी शेष सम्मान देवाई अनुमति प्रदान कर मठ। गोवे कोरोना संक्रमण हार और मृत्यु हार हु बढ़ी चली। एभली परिस्थिति रे मृतकों शवदाह स्थान अभाव देखा मिलूँ। कोरोना लड़े में हारी जाइथिबा योद्धा को सम्मान जनेबा उद्देश्य रे सबु धर्म पाई निजर द्वार खोली देछि राज्यर सर्वपुरातन हिंदू शवदाह गृह। मड़गांवर मठ ग्रामस्थ हिंदू सभा जहां 112 वर्ष पुरुणा कोरोना समय रे एठारे तैयारी होइथिबा नुआ चितारे हिंदू मुस्लिम और ख्रीस्टियान धर्मर कोरोना रोगी मृतदेह दाह पाई अनुमति देछि। इन 7 डेज टाइम वी हैव कंस्ट्रक्टेड 4 मोर पायर्स and now we have 7 pyres dedicated only for covid. So today's rate is general is average 4 and covid is average 7. ए हुचंती भाई नायक तांको परिवारर चतुर्थ पीढ़ी
जी एही अनुष्ठान को चलाउछंती से कहिछंती असुविधा समय रे लोकमाने जातीय धर्मर प्रतिबंधक को पार करिवारे सक्षम होई परबे ओनली फॉर कोविड इफ एनीबॉडी डाइज ड्यू टू कोविड वी विल नॉट लुक एट द कास्ट लेट इट बी हिंदू Muslim or Christian. Yeah. That is how, in fact, it started. But they were totally scared, and you know, they thought, what will happen if 10-15 Christians or Muslims die in a day? Where they will cremate them? राज्यर अन्य सहरगुड़ी करे अंतिम संस्कार पाई सुखिला काठर अभाव देखिबा को मिलुची किंतु गुआरे किछि सहृदय व्यक्ति शव दाह पाई काठदान करबा को आगे आसुचंती ફળરે અંતિમ સંસ્કાર સુરખુરે હોઈ પરુચે એઝ ફાર એઝ વુડ ઇઝ કન્સર્ન ટેમ્પરરીલી આઈ એમ ક્વાઇટ ઓકે નાઉ એન્ડ બિલીવ મી ઇવન ટુડે થ્રી ટ્રક્સ આર ડમ્પ્ડ બાય વન ઓફ માય ફ્રેન્ડ ફ્રોમ ફાર ઓફ ફ્રોમ સાંગે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ કોરોના મહામારી જતેબેળે જાતિ કિંબા ધર્મરે પાતરંતર કરુનાહી સેતેબેળે મણીષ માને કાહીકિબા એપરી ચિંતા કરીબે માનવિકતા હિં કેબે બી પક્ષપાત કરે નહીં તાહા એહી ઘટણારુ સ્પષ્ટ ભાવે બારી હોઈ પડુચી બ્યુરો રિપોર્ટ ન્યૂઝ 18 ઓડિયા કેઉંઠી જોગ તો કેઉંઠી વ્યાયામ કેઉંઠી ઉઠબસ તો આઉ કેઉંઠી કોરોના કર્ફ્યુ ઉલ્લંઘનકારી અમાનિયાંકુ દંડ કોરોના કાળરે સબુ કથા દેખિબાકુ મિલુચી તેબે મધ્યપ્રદેશર સાગર જિલ્લાર એક ગાંરે દેખિબાકુ મિલુચી ભિન્ન એક કાર્યાનુષ્ઠાન એઠારે કોરોના નિયમ ઉલ્લંઘનકારીંકુ મિલુચી નિયારા દંડ અમાનિયાંકુ ઓક્સિજેન બગીચા નિર્માણરે નિયોજિત કરાયાઉચી દેખંતુ એ રિપોર્ટ ଏଠାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି ନା କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଏ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା କେବଳ ଏହି ଗଛକୁ ଲଗାଇବେ ବରଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ବି ନେବେ ଗଛ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବେ ଏଥିସହ ସବୁ ରୋଗରୁ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ହେଳା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସାଗର ଜିଲ୍ଲାର ରାହତଗଡ଼ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଚୌକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଗଠନ ନେଇ ନିଆରା ଉପାୟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଗଛ ଲଗାଇବାର ନିଆରା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନଇ ପହଲ ହମାରି ପଞ୍ଚାୟତ ମେ ସୁରୁ କି ଗଈ ହେ जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के विपरीत जो नियम का पालन नहीं करेंगे उनको जुर्माने के तौर पर 5 पौधे लगाना होंगे पौधे सर उनसे जो जुर्माना हो रहा है उन्हीं से पौधे क्रय करके उनको दिए जाएंगे ना दिया जाउछि गाली ना देबा को पड़ुछि जुर्माना एही गाँव रे कोरोना नियम को अनादेखा करथुआ लोकों पई गाँव लोके एही नियारा दंड सुनाइछंती ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ନ କଲେ କିମ୍ବା ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନ ଆସି 5ଟି ଗଛ ଲଗାଇବେ ଅମାନିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଭବନରେ ଏବେ ନର୍ସରୀରୁ ଗଛ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 400 ଗଛ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଗଛ ଅଣାଯିବ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଁର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଯିଏ କରୋନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କୁହାଯାଉଛି କିଭଳି ସେମାନେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏହି ନିଆରା ଦଣ୍ଡ ଇଏ ହମାରି ମନରେ ବିଚାର ଇସ୍ ତରିକେ ସେ ଆୟା କି ଇଏ ଏକ ତ କରୋନା ରୋକ ମେ ସହାୟକ ହୋଗା ଔର ଦୂସରା ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ବଢ଼ାବା ମିଳେଗା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କେ ଲିଏ ମେ ସୁଧାର ହୋଗା तो इसलिए हमने इस तरह की व्यवस्था की कि जो भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे गांव में बगैर मास्क के घूमेंगे उनके लिए हम जुर्माने के तौर पर 5 पौधे दे रहे हैं जिनकी देखरेख रखवाली और व्यवस्था उनकी रहेगी पेड़े मिले बिना मास्क के घूम रहे थे हम गांव में सरपंच साहब ने 5 पेड़े दे लगावे की लाना सजा के तौर पर अच्छा तो जी आ पेड़ लगाओ इनकी सेवा करो मास्क लगाओ तो कौन कौन से पेड़ मिले आपको
आम के हैं, भी के हैं और जामन को है। तो सरपंच ने कैसे करो, सही करो गलत करो? सही करो, करो इनकी सेवा। हाँ, सेवा कर। गाँव में प्रतिबंधक लगवा सहित पहरा देवा सत्वे किसी लोक नियम मानु नथिले सेथिपाई सेमानक पाई एहाठारु भलदंड आउ किछि होइ पारिबो नाही बोली गाँ कमिटी स्थिर कला जहाकि परिवेश पाई उपकारी सब्यस्त हेबो। गछ काटिबा द्वारा परिवेश रे जों क्षति होउछि ताहा मध्य पूर्ण हेबा सहित अक्सिजन बगीचा समस्तंकु विशुद्ध अम्लजान प्रदान करि पारिबो। अरे काय काय के पीले लै जी, आंवली को भी है, बेहों के हैं, और जो एक पेड़ नहीं यार समझ में काय को आए। कौन ने दे? सरपंच साहब ने। काय दे दे जी? दे के मास्क लगाने थे, तो मास्क में आए कहीं की सेवा करो तुम भाई, एक छक्कर दे है और हम लगे हैं कुगा पे। मास्क लगे वो? हाँ मास्क लगे हैं। प्रकृत रे यही दंड संपूर्ण नियारा। कोविड संक्रमण चेन को भांगिबा पई यह फलप्रद हेबा सह परिवेश पई भी उपकारी हेबो। एहा सह प्राकृतिक भावे अम्लजान भंडार भी गठित हो पारिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। अधिक खबर पई देखु थांतु न्यूज 18 ओडिया। नमस्कार।